मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नशे के कारण कई युवा चोरी और आपराधिक घटनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत एक नाबालिग युवक द्वारा अन्नपूर्णा क्षेत्र में लोहे के गेट और चैम्बर चोरी करने के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर दी है। दरअसल पूरा मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी का है, जहां पिछले कुछ दिनों से घरों के बाहर रखा हुआ सामान सहित कॉलोनी में रोड पर लगी हुई चैम्बर के ढक्कन तक चोरी हो रहे थे, जिसके बाद रहवासियों ने सीसीटीवी के आधार पर एक नाबालिग युवक को पकड़ा है और पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की है और पूछताछ में दो लोहे के गेट बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार वह नशे के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया करता था और नशे का आदी है। फिलहाल पुलिस उसे नशा छुड़ाने के साथ ही उसे तमाम चोरियों के विषय में पूछताछ में जुटी है। हाँ, ये सामने मधुबन कॉलोनी में कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी, लोहे के गेट और चैम्बर आदि उठा के लेके जाते थे, उसी के चलते एक चोर को पकड़ा है हमने और उससे दो गेट भी बरामद किए गए हैं। तो पूछताछ में क्या बात सामने, ये सब चोरी करने का मुख्य कारण क्या? हाँ, वो नशे करते हैं, नशा करने के लिए ही ये चोरी करते हैं। सर और भी कई चोरियाँ खुलासा? हाँ, अभी और पूछताछ कर रहे हैं उससे, अगर और निकलेगी तो।